हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे रंजना किचन मॉम रेसिपी में। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं पालक की कढ़ी की रेसिपी। तो देखिए आज हम कैसे किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें दही लिया है 250 ग्राम, और उसमें पानी मिला करके हमने इसको मतानी से मत लिया, और उसके बाद हमने इसमें 4 छोटे चम्मच बेसन मिलाया है। और इसके बाद स्पेशल बनाने के लिए हम इसको जो है चूल्हे में बनाएंगे, कढ़ाई में। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल गर्म किया है, और ये सरसों का तेल है। इसमें हमने हींग जीरा से तड़का लगाया है, और इसमें प्याज लहसुन हरी मिर्च डाल करके हम इसको ब्राउन करेंगे। और ब्राउन करने के बाद हमने जो बेसन और उस दही का घोल बनाया था उसको डाल देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसको डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। और आप लोगों को रिपीट करा दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और उसके बाद हमने इसमें हल्दी मिलाई है 1 चम्मच, और लगभग आधी चम्मच के करीब हमने धनिया पाउडर मिलाया है, और 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर मिलाया है। और नमक आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और ये पालक की कढ़ी हम बनाने वाले हैं, तो अब इसकी पालक हम काट लेते हैं। ये पालक हमारे किचन गार्डन से पालक मिली है हमको, तो ये बाज़ार से खरीदी हुई पालक नहीं है। तो ये हमने पालक को बारीक बारीक काटने के बाद इसमें मिला दिया कढ़ी में। तो ये देखिए हमारी कढ़ी इस तरीके से खोलने लगी, और इसको लगभग हम 1 घंटे तक पकाएंगे। और पकाने के बाद ये हमने थोड़ी सी 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करी है स्वाद के लिए। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट ना अच्छा लगे। तो मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैं मिला देती हूँ जो है मोस्टली हर सब्ज़ी में। और इसके बाद थोड़ा उसको और स्पेशल बनाएंगे। एक हमने दिया लिया है छोटा सा, और उसको गर्म किया है चूल्हे की आग में, और फिर उसमें हमने थोड़ी सी मेथी दाने, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डाल के हमने इसमें तड़का लगाया है। थोड़ा सा सरसों का तेल 1 चम्मच डाला, और ये देखिए हमारा जो है मेथी और जीरा जब थोड़ा सा ब्लैक होने लगेगा तो इसमें हम डालेंगे करी पत्ता। तो ये करी पत्ता से हम जो है तड़का लगाने वाले हैं कढ़ी में। कढ़ी हमारी पक कर के रेडी हो गई है, और अब हम इस पर जो है ये देखिए दिबुलिया का जो है हमने तड़का लगा दिया, और ऊपर से हम इसमें हरा धनिया काट करके मिला देंगे। कढ़ी हमारी बन करके एकदम रेडी हो चुकी है, और सब लोग अपने अपने घरों में बनाइए, खाइए, और उसके बाद हमें ज़रूर बताइए। ये देखिए बनने के बाद इस तरीके से दिख रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।